साथियों, हम देश रोजाना डिजिटल चैनल के प्लेटफॉर्म से मेरे साथ हैं राजीव कत्याल जी, जो भाजपा के बड़े उभरते हुए युवा नेता हैं और हरियाणा की राजनीति के बारे में इनको बड़ी दिलचस्पी भी और बड़ा ज्ञान है, अच्छे वकील हैं। तो आज वो हमारे साथ बातचीत में मौजूद हैं। राजीव जी, आपका स्वागत। नमस्कार जी, बहुत धन्यवाद। राजीव जी, आज मतगणना चली हरियाणा विधानसभा के चुनाव के बाद जी, और जैसा कि नतीजे आ रहे हैं, कुछ लोग इनको अप्रत्याशित नतीजे बता रहे हैं, आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, कुछ लोग जो अप्रत्याशित बता रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी जी जी, कि कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। हाँ। तो वो जो कांग्रेस के लोग थे जी, उन लोगों को ये अप्रत्याशित ये लग रहा है कि ये अप्रत्याशित है। भारतीय जनता पार्टी के तो हर व्यक्ति को ये दिल में अंदर से विश्वास था जी, कि आज भी लोग राष्ट्र हित में भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं। देखिए, इसमें जितने चैनल दिखाए गए जी, आपने कहा ना कि ये एक नैरेटिव सेट किया गया है एक विशेष दल के द्वारा जी, आप राष्ट्रीय चैनल देख लीजिएगा, हरियाणा के यूट्यूबर देख लीजिएगा, अखबार देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और आम जनता के अंदर भी एक भावना सी आ रही थी कि कांग्रेस की हवा है। किसी एक बड़े सम्मानित वो हैं हमारे बुद्धिजीवी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने कहा था या तो हवा है जी, या आंधी है, या तूफान है। ठीक बात है। और कुछ कुछ लोगों ने ये मान लिया था कि कांग्रेस की सीट 46 से लेकर के और 65 तक भी बता रहे थे जी, और लोगों में ये धारणा बन चुकी थी जैसे कि 2019 में कि सरकार तो भाजपा की ही बनेगी। इस बार ये हो रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी, कई फैक्टर्स के, भाई ज़्यादा सीटें नहीं तो कम से कम 50-52 सीट कांग्रेस हासिल करेगी और शायद सरकार बना लेगी, लेकिन ये तो सारा उलट हो रहा है। लेकिन सुरजेवाला जी, आप बड़े सीनियर आदमी हैं, आप सरकार में अफसर भी रहे, आप मेरे पिताजी के साथी भी रहे, आपने साथ काम किया जी जी, जब वो मंत्री थे आपके डिपार्टमेंट के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बड़े तो, सम्मानित जी, हम तो उनकी आज भी और उस वक्त भी बड़ी जो विभाग में उनका एक दर्जा था और जो सम्मान था वो हमारे दिल में आज भी उसी तरह बरकरार है और वो निसंदेह तो एक बड़े वो नेता रहे। बड़ी विनम्रता से आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ जी, आपकी और मेरी पहले भी इस विषय पे बात भी हुई जी। देखिए, पूरे हरियाणा में जहाँ भी चुनाव थे हाँ, आप देखिएगा कि मुकाबले हर जगह थे, कुछ सीटों को छोड़ दें हाँ, मुकाबले ज्यादातर सीटों पे थे जी। और हम सबको भारतीय जनता पार्टी में एक बात का विश्वास था जी, कि जो बोलने वाली वोट है हाँ हाँ, जो लोग चुनाव में रुचि रखते हैं, जो लोग बात करते हैं चुनाव कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसकी सरकार आ रही है, किसकी नहीं आ रही है जी, ऐसे लोगों का एक अलग वर्ग है और एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है। ये आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये जो आपने कहा ना वो हरियाणा में घटित होता रहा है पहले। अब कुछ लोगों ने यह भी कहा कि कांग्रेस का लोकदलीयकरण हो गया है जी, जी, जी। जो पहले लोकदल में वोकल वोटर होता था जी, वो आज कांग्रेस में है और उसका ये प्रचार प्रसार शोर जो है। दूसरी तरफ ये बात आपकी बिल्कुल उचित है कि जो साइलेंट वोटर था जी, और वो बहुत बड़ा वर्ग है, जो बड़ा वर्ग है जी निसंदेह, तो वो अपनी खामोशी से काम करता है और उसका परिणाम ये जो सामने आ रहा है ये तो समझने वाली बात है। मैं उसके लिए भी आपको एक बात बताता हूँ, जिस भी आदमी से हम पूछते थे कि कहाँ वोट दे रहे हैं या वोट देने के बाद कहाँ वोट दी, हर व्यक्ति बीजेपी को कहता था हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं, या वो चुप रहता था, खामोशी, चुप रहता था, उसकी खामोशी भी इंगित करती थी, इशारा देती थी कि भाई ये वोट कहाँ जा रहा है। लेकिन हमारे कांग्रेस पार्टी के जो लोग थे, जो साथी थे, जो हमारी उनसे चर्चा होती थी, वो कहते थे कि नहीं नहीं वो तो आपको देख कर ये कह रहे हैं कि नहीं जी ये तो बीजेपी को वोट दे रहे हैं, जबकि जो व्यक्ति चुप था या जो मुखर रूप से बता रहा था इस बात को, लोगों ने जो लोग मानना नहीं चाह रहे थे उन्होंने माना नहीं कि लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं, इस वजह से नैरेटिव ये बन रहा था कि कांग्रेस आ रही है। ये बात तो मैं बताना चाहता हूं आपके सवाल के जवाब में, ये आपकी बात का जवाब से मैं बिल्कुल 100% सहमत हूं जी। दूसरी तरफ हुड्डा साहब का बड़ा नाम था, सुबह जब काउंटिंग शुरू हुई कांग्रेस ने कुछ बढ़त दिखाई जी पहले राउंड में, तो जो हमारे चैनल पे वो दिखा रहे थे बड़े बड़े पत्रकार, वो बड़ा हुड्डा साहब का बड़ा गुणगान गा रहे थे। उन्होंने दो बात कही,
एक तो कही थी कांग्रेस ने अपने अंदर एक बड़ा जो नेतृत्व है केंद्रीय है उसने एक सबक लिया है जी। और सबक क्या है, जैसे कि पंजाब में उनसे गलती हुई कि कैप्टन अमरिंदर को, राजस्थान में अपने गहलोत साहब के साथ छेड़छाड़ हुई, बिल्कुल उसे सबक लिया और उन्होंने जो प्रदेश का जो नेतृत्व है, जो असली नेतृत्व है, उसको स्वीकार किया। तो उन्होंने हुड्डा साहब को, बल्कि एक ने तो ये भी कहा कि हुड्डा साहब को पूरी छूट दी जाती तो 2019 में भी कांग्रेस की सरकार बनती। ठीक बात। वो पत्रकार सुबह ऐसा पेश कर रहे थे और जैसे जैसे दिन ढलता गया वो दूसरी तरफ उन्होंने रुख अख्तियार कर लिया। आप तो देखिए ये जो होता है। और ऐसे ही हमारे जो सर्वे आ रहे थे जो उनमें भी कुछ ऐसा ही था। खैर चलिए, वो तो सारा नतीजा अब हमारे सबके सामने आ गया है। अब एक और चीज़ है कि लोगों ने कहा कि एंटी इनक्यूम्बेंसी है। भाजपा के नेताओं ने भी एक बात रखी कि खट्टर साहब ने करीब 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे जी, और उनका चुनाव में उनको बैकफुट पर रखने की, बाद में शुरू में तो टिकटों का वितरण में उनकी चली जी, उनका बड़ी शेर रही, लेकिन जब प्रचार हुआ तो उनको बैकफुट पर रख दिया और ये लगने लगा कि भी उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है, उनको अब पर्दे के पीछे की भी सारी गलतियां उन पर थोप दो। और लेकिन नतीजे जो आ रहे हैं वो कुछ और ही दिखा रहा है। देखिए इस पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो खट्टर साहब की बात करी आपने जी, ये जो हरियाणा के चुनाव में जो रिजल्ट दिख रहा है हाँ। जो बीजेपी इतने प्रचंड बहुमत से क्लियर मेजोरिटी से आ रही है जी, अगर माननीय खट्टर जी से लोग नाराज होते या उनके कार्य पर लोगों को संतुष्टि नहीं होती बिल्कुल, तो आज ये चुनाव का रिजल्ट नहीं होता, क्योंकि 9.5 वर्ष वो रहे बिल्कुल। अब लोगों ने इसको क्या एक रंग देने की कोशिश करी, मैं बोलूंगा विपक्षी साथियों ने, कि प्रधानमंत्री जी आए, मैं वही बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी आए खट्टर साहब उनके साथ नहीं थे जी। देखिए प्रधानमंत्री चुनाव में प्रचार का थोड़ा ही टाइम होता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता, पूरे हरियाणा को कवर करना है जी। और माननीय खट्टर जी खुद हमारे हरियाणा के स्टार प्रचारक थे जी, केंद्रीय नेता के रूप में भी, क्योंकि हाँ। बड़े भारी उद्योग मंत्री और उनके भारी मंत्रालय उनके पास है, ऊर्जा विभाग और शहरी निकाय विभाग हाँ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी की स्ट्रेटजी ये थी कि कहीं पर प्रधानमंत्री जी जाकर सभाएं करेंगे, कहीं पर मनोहर लाल जी जाकर करेंगे। अब मनोहर लाल जी प्रधानमंत्री जी के साथ नहीं थे तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, उनको साइड में रख दिया। ये बात ठीक है कि अलग अलग नेता अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं, कोई दक्षिण में, कोई उत्तर में, कोई पश्चिम। अब मैं उसका उदाहरण देता हूँ, प्रधानमंत्री जैसे बड़े नेता जब आते हैं तो लगभग स्टेट के हर नेता और तकरीबन होते, इसलिए वो सवाल उठा। खैर लेकिन वो पार्टी की अपनी नीति थी, उनकी सोच थी। अब जैसे पलवल में देखिए, अब मैं आपको पलवल का उदाहरण देता हूँ जी। माननीय मनोहर लाल जी पलवल में आए जी, अब जब वो पलवल में आए तो उनके आने के बाद वो कैंप में मार्केट में उनका प्रोग्राम किया गया जहां हाँ। पर पंजाबी बहुल्य क्षेत्र पड़ते हैं वो जी। उन्होंने आकर एक बात वहां पर बोली थी, आप भी सरोकार करेंगे उससे जी। उन्होंने बोला जहां पर भी हरियाणा में पिछले इतने चुनाव हुए जी, अगर कुछ अपवाद छोड़ दिया जाए जी, एक दो मौकों पर हाँ, तो जहां सेंटर की गवर्नमेंट होती है वहीं पे हरियाणा की सरकार विधानसभा की। ये बात बिल्कुल सही है, उन्होंने ये बात पूरे मंच पे भाषण के दौरान कही। इस बात को जोड़ते हुए मैं ये कहता हूँ, ऑलमोस्ट ये बात बिल्कुल तथ्य है, जैसे जैसे पार्लियामेंट के जो चुनाव आते थे ना जी, जो उनके नतीजे होते थे, ठीक उसी के मुताबिक विधानसभा का, चूंकि उसके साथ साथ क्लोज, वेरी क्लोज इलेक्शन होता है, जैसे 5-4 महीने के अंदर बिल्कुल, तो लगभग वो नतीजे आते रहे, ये हरियाणा का इतिहास बताता है। देखिए 2005 में पहले 2004 का पार्लियामेंट का चुनाव हुआ जी, उसके दो नतीजे आए, उस वक्त इनेलो की सरकार थी, चौटाला साहब सीएम थे जी जी, पार्लियामेंट के 9 हलकों में ही इनेलो जीत पाई थी, 90 में से ठीक बात, सीट कोई नहीं आई थी। लेकिन उसके बाद आया चुनाव विधानसभा का, इनेलो की सरकार थी, चौटाला साहब कहते थे आजीवन मुख्यमंत्री रहूंगा, और वो उनकी भी जो दर्ज उन्होंने की जीत जी, वो केवल 9 हलकों से आई, वही के वही ठीक बात। और अब जैसे हमारा पार्लियामेंट का चुनाव होके गुजरा है जी, उसमें भी वही बराबर था, लगभग 42-44 सीटें जी जी जी, दोनों दलों की, शायद 43 थी भाजपा की और 42 थी और एक उसको 2-3 सीटों पे आप पार्टी थी जी, तो जी, वो 45-46 बैठती थी, लगभग बराबर था जी, करीब करीब वो सुबह तो ऐसे नजर आ रहा है, लेकिन परिणाम तो उसी के मुताबिक है। ये बात आपकी सही है।
अब आता है सवाल कि एंटी इनक्यूमेंसी का फैक्टर था, अब प्रॉपर्टी आईडी का था, किसानों का, पहलवानों का मसला था और जवानों का मसला था, अग्निवीर, कई कई ऐसे मसले थे जिनसे लगता था कि डेफिनेटली वो प्रभाव डालेंगे। अब प्रॉपर्टी आईडी का था, ऐसे ही आंदोलन थे, जैसे कई आंदोलन हुए जी, चाहे वो कर्मचारियों की तरफ से थे, आंगनवाड़ी का था या ट्रांसपोर्ट के हमारे जो कंडक्टर्स, रोडवेज के ड्राइवर या दूसरे तीसरे जो भी कर्मचारियों के, तो उनमें एक बात तो देखने को मिली सरकार की तरफ से, आंदोलन में जल्दी से उसको सॉल्व नहीं किया, निपटान नहीं हुआ, बहुत लंबा खिंचता रहा। उसके बाद यकायक सरकार उनको बुलाती थी और कहती तुम्हारी सारी मांगे मंजूर जी, अब वो आंदोलन खत्म हो जाता उनके आश्वासन पे। लेकिन नतीजा क्या होता, जो मांगे थी वो यूं की यूं बरकरार और वो हो नहीं, तो उससे ये लगता था कि ये वर्ग सारे के सारे अब ऐसे ही आड़ती। देखिए मैं इस पे आपको जवाब देता हूं, एक मिनट जी, अनाज मंडी में जो आड़ती है, करते हैं काम, शायद आपको कुछ तजुर्बा है कतियाल साहब का, हमारी खुद की आड़त है। हाँ, तो वहां क्या होता रहा कि आड़त का परसेंटेज घटा दी, कुछ उसमें और लगा दिया, पेमेंट का था कि वो ऑनलाइन होगी, उसमें आड़ती उन्होंने हमेशा इसका विरोध किया जी। जैसे जैसे विरोध करते सरकार उसको पीछे खींच लेती जी, कहते नहीं नहीं इस बार पेमेंट आपके खाते में आएगी, कमीशन वही रहेगा आपका, और फिर उसको अगले साल फिर छेड़खानी। ठीक बात है। तो ये इस तरह की हर बार छेड़खानी जो करते रहे। दूसरा, खट्टर साहब के बारे में एक चीज और भी थी कि उनके अंदर कहते थे कि लोग अहंकार आ गए है, और वो उसके जो है ना परिणाम ये है कि वो जनता में जब जाते हैं तो लोगों से ठीक पेश नहीं आते, किसी को कहते हैं भी इसको चांद पे भेज दो, किसी को कहते हैं इसको बाहर उठा करके कर दो। तो इस तरह का जो अहंकार और जो वो था ना गरूर, उससे भी लोग कहते थे कि, अब बाद में भाजपा के लोगों ने कहना शुरू किया कि खट्टर साहब के दरवाजे पे नहीं जा सकते थे, सैनी साहब का दरवाजे 24 घंटे के लिए खुले हैं। तो ये बातें जो थी, कंपैरिजन जो हुआ जी, वो नैरेटिव शायद भी अपोजिशन के लोगों ने नहीं किया, वो भाजपा के ही लोगों ने इस बात का जब प्रशंसा की, सैनी साहब के ये गीत गाए के भी वो उनके दरवाजे खुले, क्या इसका मतलब वो दरवाजे पहले बंद थे? देखिए मैं इस पे आपको जवाब देता हूँ, आपके दो तीन सवाल इकट्ठे हो गए। हाँ, सबसे पहले आपने बोला एंटी इनकम्बेंसी जी, तो मैं कहना चाहता हूँ ये तो चुनाव का रिजल्ट ही बता रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी कहीं है ही नहीं। अगर एंटी इनकम्बेंसी होती तो ये रिजल्ट ना होता। एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं थी, इसके लिए भी मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। भारतीय जनता पार्टी ने उन मुद्दों पर काम किया जी जो सीधा जनता के दिल से जुड़े हुए थे जी, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक जी, कैसे उसका दिल जीतना चाहिए, कैसे उसकी दुख दुविधाएं हैं उनके लिए, कैसे उनका समाधान करना चाहिए, जैसे कि कोई एक, जैसे कि मैं फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट के थे, एक मिनट, हाँ जी, गवर्नमेंट के बड़े फ्लैगशिप प्रोग्राम थे, नंबर वन स्वच्छ भारत जी, क्या उसमें हमने कोई कितना उसको अचीव किया, दूसरा था स्मार्ट सिटी जी, तीसरा था कि भाई हर सांसद एक एक गाँव को गोद लेगा और गंगा की सफाई होगी, और ये नेशनल मुद्दे थे। मैं आपको हरियाणा के मुद्दे की बात कर रहा हूँ, हरियाणा की बताइए, मैं हरियाणा की बताता हूँ, बताइए। जैसे गरीब व्यक्ति को क्या चाहिए होता है, उसको दो वक्त की रोटी मिलनी चाहिए जी, जो मोदी जी की स्कीम है जो अनाज मिलता है गरीब व्यक्ति को जी, आज गरीब व्यक्ति ने पूरा बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को, आप इसको अच्छा मानते हैं? देखिए अच्छा जनता मानती है, आप और मैं क्या मानते हैं इस पे डिपेंड नहीं करता। देखिए मैं इस पे आपसे वो करूंगा मुखातिब, इस बात से नहीं होऊंगा आपकी, कि जनता लोकतंत्र में जनता तय करती है क्या सही है क्या गलत है। आप और मैं बैठकर बुद्धिजीवी या चर्चा करने के लिए, जनता की वो पॉलिसी बनी, जनता ने आज उस पे मोहर लगा दी। ये आपकी बात से सहमत हूँ, जनता ने वोट दिया। दूसरी बात कांग्रेस पार्टी ये कहती थी कि जी ये गरीब व्यक्ति का वोट हमें मिल रहा है, तभी तो वो कह रहे थे कि दलित समुदाय से भी उनको वोट मिलने वाला है, तो दलित समुदाय की वोट की वो लोकसभा में भी दम भरते थे और आज भी दम भर रहे थे जी। लेकिन चुनाव का जो रिजल्ट है अगर आप देखेंगे, अभी
सारा बूथ वाइज भी सारे कैलकुलेशन आ जाएगी, जहां पे हमारे एससी भाइयों की वोट थी वहां भी भाजपा को ज्यादा वोट मिली है। बिल्कुल, कम से कम पलवल तो मैंने पता किया आपने। नहीं नहीं, ये काफी हद तक आप ठीक कह रहे हैं। तो जो नरेटिव वो बनाना चाहते थे कांग्रेस पार्टी के लोग कि नहीं जी ये आरक्षण में खत्म कर देंगे, ये संविधान बदल देंगे, तो वो सारी बातों से जनता नहीं मानी, क्योंकि जनता के दिल को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों ने छू रखा था, बिना पर्ची बिना खर्ची। मैं आपको बताना चाहता हूँ रोजगार के लिए, ये बड़ा लंबा विषय हो जाएगा, बिना खर्ची बिना पर्ची का आज सवाल है। भी चुनाव का टाइम है, मेरे को भी एक बार नहीं नहीं उसी उसपे मैं बस इतना ही कहकर इस को खत्म करूंगा। बिना पर्ची खर्ची का जो साबता है जी, नागर साहब हमारे HPSC के सेक्रेटरी थे, उनकी दफ्तर की दराज में से 1.5 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रुपया जो देवीलाल जब मुख्यमंत्री थे, कतियाल साहब जब हमारे मंत्री थे, उस वक्त सरकार ने एक नियम बनाया था, कोई भी अधिकारी गजेटेड ऑफिसर 100 रुपए से ज्यादा उसकी जेब में अगर मिल जाता है ना ऑफिस के टाइम, सही है, तो उसको करप्ट माना जाएगा। ठीक बात है। अब 1.5 करोड़ रुपया दराज में मिल रहा है HPSC के सेक्रेटरी के। अब ये बड़ा लंबा विषय है, पेपर लीकेज की बात थी, 47 कोई भी टेस्ट हुआ, एग्जाम हुआ, यहाँ के नीट तक के वो आउट होते रहे, पेपर लीक होते रहे। खैर चलिए, अब आ जाता आखिरी सवाल जी, कि हरियाणा में एंटी इनक्यूमेंसी नहीं थी, सरकार का बहुत अच्छा वो था। एक सवाल मैं कहता हूँ जी, क्या ऐसा नहीं है कि जो एक एजेंडा भाजपा का था, जो एक BJP ने जो अपनाया 35-1, क्या उसका परिणाम नहीं है ये? देखिए उस पर भी मैं आपको बड़ा अच्छा सवाल आपने मुझे, पूछा मुझे आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, अब मैं इस पे जवाब देना चाहता हूं। उसका परिणाम मुझे नजर, मैं आपको उसका भी जवाब देना चाहता हूं। आप बूथ वाइज कैलकुलेशन चेक करिएगा जी, 35-1 की आप बात कर रहे हैं। हाँ। मैं अभी पलवल में हमारे यहाँ से जो कैंडिडेट थे जाट थे जी, करण सिंह दलाल, हाँ, और जो हमारे भाजपा के प्रत्याशी थे वो हमारे गौरव गौतम जी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं जी, लेकिन पलवल में जो सबसे ज्यादा वोट है 42,000 वो जाटों की है। हाँ। उसके बावजूद भी आप उन गांवों को चेक करेंगे ना, पहला जो पलवल का जो पहला राउंड था, सिर्फ पहला राउंड, उसमें सारे बुढ़ेर क्षेत्र कहते हैं उसे पलवल से जी, उसमें धतीर आता है, अलीका आता है, यादवपुर आता है, उसमें रजोल का आता है, ठीक है, उसमें हमारा ककराली आता है, घुघेरा आता है, बड़े जाटों के गांव, मैं जानता हूं। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं क्षेत्र का जानकारी, उन गांवों से भी जी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 1100 वोट से पिछड़ कर आई। ऐसा है, मेरा एक तजुर्बा है जी, मैंने बचपन से यूं कहूं भी चुनाव की गोद में पैदा हुआ जी, और चुनाव को बहुत घर में देखा, बूथ पे एजेंट का काम भी किया, काउंटिंग एजेंट का काम भी किया, कन्वेंसिंग भी की जी, एक चुनाव तो नहीं लड़ा। हाँ, स्कूल के अंदर हमारी जो संसद का चुनाव हुआ वो लड़ा, कॉलेज में लड़ा। मैं अपनी बात पूरी कर दूं जी, पहले वो रह जाएगी मेरी बात, अगर खाली ये नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी बनाती तो फिर तो कम से कम 35-1 अगर भारतीय जनता पार्टी बनाती जी, तो जाट समुदाय से तो वोट भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल नहीं मिलता। बिल्कुल तो क्यों नहीं मिलता, अगर भारतीय जनता पार्टी बनाती तो लोगों को पता ना लगता क्या? मेजोरिटी, मैं तो कहता हूँ उल्टा कांग्रेस ने बनाया ये, कांग्रेस में जो पहले इन्होंने प्रस्तावित कर दिया कि हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे, बेचारी शैलजा जी का इतना अपमान हुआ, ये क्या आपको लगता नहीं ये फैक्टर भी चुनाव में काम किया? क्यों इनको बाद में सिरसा के जो हमारे नेता थे जिन्होंने अभी चुनाव लड़ा, हाँ, कांग्रेस पार्टी उनको पार्टी में लाने के लिए लालायित रही, दिखाने के लिए कि जी शैलजा जी का अपमान तो कर दिया, लेकिन अब ये हमारे बड़े नेता जी ये आ गए, इनसे हमारी वो दलित समुदाय का जो वोट है वो आ जाएगा। क्यों उन्होंने ये बात नहीं बोली कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कि हमारा जो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट होगा वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन कमोवेश एक ही बात चलती रही जी हुड्डा जी हमारे वो रहेंगे। वो तो मैंने शुरू में कहा, मैं कह रहा हूँ ये जो अगर बनाया ये चीज अगर पनपाई लोगों में तो कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा, जैसे कहा पत्रकारों ने भी सुबह ये गाने शुरू कर दिए कि कांग्रेस ने पंजाब में राजस्थान में जो एक खामियाजा भुगता और क्षत्रप नेता जिनको कहते हैं स्टेट में उनको ना मान के दूसरे तीसरे रास्ते अपनाए। कांग्रेस पार्टी भी अगर ये दिखाती कि कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है जी, तो मैं मानता हूँ कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर स्थिति होती। नहीं, वो तो भाजपा ने भी हमारे नायब सैनी को डिक्लेयर कर दिया, भाजपा ने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन भाजपा ने कभी ये, तो आपने बोला कि भाजपा पे आरोप है कि वो 35-1 की राजनीति कर रही है, तो मैं कह रहा हूँ कांग्रेस इसको तोड़ती अगर आपको लगता है कि कांग्रेस को तो करना चाहिए था कि कांग्रेस डिक्लेयर कर देती शैलजा जी को, किसने रोका था उनको?
लेकिन उनको था कि वो जाट वोट का पोलराइजेशन कांग्रेस पार्टी अपने पक्ष में करना चाहती थी, इसलिए दिखा के चल रही थी। नहीं, इससे मैं आपकी बात से यूं सहमत नहीं हूं। जी हुड्डा जी के बारे में आप कह सकते हैं, हरियाणा की जनता के बारे में कह सकते हैं कि एक समुदाय ने उनको अपना रखा है, और मैं सीधे सीधे लोग तो ये भी कहते हैं कि लोक दलीयकरण हो गया है हुड्डा साहब के आने के बाद कांग्रेस पार्टी का, ये तो लोग भी मानते हैं। ठीक है, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने कभी ये नहीं कहा, और बल्कि कांग्रेस के बारे में ये कहा जाता था कि दे नेवर पुट ऑल द एप्पल्स इन ए सिंगल बास्केट। उन्होंने शैलजा जी को भी उभार के रखा, एक जगह वो भी काम कर रही थी, एक जगह लोग ये कहते हाँ, थे 72 टिकटें जो चुनाव में चला चर्चा, मुझे हाँ, नहीं पता कितना सच है कि 72 टिकटें हुड्डा जी की संस्तुति पे दी गई कांग्रेस पार्टी में। आप मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी में ये अभी हमारे जो सिरसा के जो पूर्व सांसद हैं, उनका नाम, उनका जो भाजपा से गए अभी अशोक तंवर जी, मेरे नाम स्लिप कर रहा था, अशोक तंवर जी के साथ, उसको तो ये कहने लगे शोकी आया शोकी गया। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। शोकी जी अगर आप जिनको बोल रहे हैं अशोक जी, वो पहले कांग्रेस पार्टी के नेता थे, राहुल गांधी जी के करीबी थे। उन्होंने कोई दल छोड़ा है? आप मेरे को, मैं पहले उनसे बात करना चाहता हूँ उनके बारे में, शुरुआत कहाँ से हुई। वो अजय माकन जी के परिवार के दामाद हैं, हाँ, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, हाँ। उनके साथ जब एक अप्रिय घटना हुई जी, उनके साथ कुछ लोगों ने मारपिटाई करी जी, कांग्रेस पार्टी ने क्या स्टैंड लिया उस समय? अगर उन्होंने खुल के आरोप लगाया कि मुझे किसने पिटवाया जी, खुल के आरोप लगाया, आपकी भी नॉलेज में है, मेरी भी नॉलेज में है, और पत्रकार सब जो हमारे चैनल है उन पे भी चला, लेकिन आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक ही बास्केट में सारे एप्पल्स नहीं रखती थी। यूं तो अनिल, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व थे वो भी मौन रहे, इस कारण से ये एक दिन का परिणाम नहीं है। अनिल विज जी भी कहते थे, शुरू में मंत्री बने, वो भी कहते थे, ये सीआईडी के हमारे चीफ थे कपूर साहब, कि वो मेरा पीछा कर रहे हैं, मेरी हर रिपोर्टिंग हो रही है और मेरा पीछा किया जा रहा है। और इस तरह के तो हमारे जो थे रामबिलास शर्मा जी ने भी आरोप लगाया जी जी जी, तो बहुतों ने लगा। खैर चलिए, अब आपकी पार्टी को बधाई है, आपको बधाई है, और अच्छा है अब स्थायी सरकार बन रही है हरियाणा में। जी, जी, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात, तो सबसे बड़ी बात ये है, बहुत धन्यवाद आपका, कि स्थायी सरकार बनेगी और अच्छा होगा, ये स्टेट के लिए सबसे बड़ी बात। जी जी, मैं प्रदेश की जनता को भी इस बात की बधाई देना चाहता हूँ, और बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि क्लियर मैंडेट उन्होंने दिया, ये सबसे अच्छी बात। जब स्थिर सरकार होती है तो मेरे हिसाब से ज्यादा विकास के कार्य होते हैं, कोई भी दल की सरकार हो, लेकिन स्थिर सरकार अच्छी रहती है, और वो हो हरियाणा में, वो सबसे बड़ी हरियाणा की जनता को इस बात की बधाई। हम तो यही अपेक्षा करेंगे, जो स्थिर सरकार आई है, लोगों ने अपने अपनी पसंद से सरकार चुनी है, वो जनता के हित में, जनता के विकास में, हरियाणा के विकास में अच्छे कार्य करें। जनता का फैसला सर माथे पर, और जनता ने जो चुना है वो बधाई के पात्र हैं, और स्थायी सरकार के लिए हम बार बार कहेंगे कि उसके लिए आप सभी को बधाई। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।